अब बात करेंगे मुंबई की धारावी की, जहां पर मस्जिद गिराने को लेकर विवाद छिड़ गया है। 90 फीट रूट पर 25 साल पुरानी सुभानिया मस्जिद को गिराने का नोटिस दिया गया था। मस्जिद तोड़ने के लिए बीएमसी अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन भारी संख्या में सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोग बीती रात से ही सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मस्जिद बहुत पुरानी है, इसलिए इसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की और जमकर नारेबाजी की। घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाया और ट्रैफिक को क्लियर करने का अनुरोध किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की और लोगों से पथराव ना करने के लिए भी कहा गया। वहीं अब मस्जिद के ट्रस्टी ने 4 से 5 दिन का बीएमसी से समय मांगा है। मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन की तैयारी चल रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये बीजेपी और यूपी सरकार को पता है कि वो हारने वाली है और वो चाह रही है कि पब्लिक को हिंदू मुस्लिम में पोलराइज करके ताकि वोट का बंटवारा किया जा सके, इसके लिए ये सब कार्यक्रम हो रहा है। रही बात जहाँ तक हाइट की, तो धारावी में कितनी इमारतें हैं कि जिसकी हाइट 14 फीट से ज़्यादा है, और इन हाइटों को बनाने वाला कौन है? बीएमसी के वही भ्रष्ट अधिकारी जो बाकी दिनों में पैसा लेकर लोगों को इतने ऊंचे ऊंचे मकान बनाते हैं, अचानक उनको मस्जिद की याद आ रही है। इस पे ताज्जुब हो रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। मेरा कहना ये है कि ये ढांचा जो आप लोग अवैध बोल रहे हो, आज जो सब बीएमसी और इस ये जो बोल रहे हैं कि ये अवैध है, ये ढांचा एक दिन में तैयार नहीं हुआ। इसको बनने में कई दिन लगे, कई महीने लगे। उसको सारे ऑफिसर वगैरह वार्ड ऑफिसर कहाँ थे? आज वो ढांचे ने मस्जिद की शक्ल ले ली है। मेरे समाज की और मेरे लोगों की भावनाएं उस मस्जिद से जुड़ी हुई है। आज वो ढांचा नहीं है, पूरी मस्जिद की शक्ल तैयार किया हुआ है, और आज आप कहते हैं कि उस मस्जिद को हम लोग ढा देंगे, ये मेरी भावनाओं के साथ मत कहते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डीआरपी लागू है। डीआरपी में सारे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलने वाला है, सारे डिमोलिश होगा। धारावी खुद एक इलीगल है, 6 फुट का यहाँ नहीं, यहाँ 12-12, 14-14 फुट की हाइट है। आप एक मस्जिद को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? यहाँ मस्जिद को टारगेट करके लोगों की भावनाओं को क्यों कर रहे हो? मस्जिद या तो धार्मिक स्तर है, धार्मिक स्तर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। आज आपके 50,000 पब्लिक जो देख रहे हो, ये अपने संविधानिक हक मांग रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हैं, कि हमको ढांचे से नहीं, हमको मस्जिद से लेना है। आज जो ढांचा मस्जिद की शक्ल ले चुका है, उस मस्जिद के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इतना ही मेरा आप लोगों का बोलना है। देश का माहौल खराब करने के लिए अभी सब खत्म हो गया, 15 लाख खत्म हो गया, लव जियाद खत्म हो गया, लैंड जियाद खत्म हो गया। अब हिमाचल में भी देख सकते हैं, ये पैटर्न अभी एक नया पैटर्न निकला है मस्जिद के नाम पे। धारावी के अंदर सभी इलीगल है, अगर धारावी इधर कड़ा है सब चौकी भी लॉकअप भी इलीगल है। अब क्या क्या तोड़ेंगे? पूरी धारावी इलीगल है, ऐसा नहीं कि खाली मस्जिद इलीगल है। तो एक धर्म को लेके आप इतना नफरत के भी मत हो, क्योंकि जो शासन में होता है ना, उसका नज़र में सब एक जैसा होना चाहिए। अगर भेदभाव करेगा तो युगांडा में ईडी अमीन का हालत हो गया, वही होएगा हिंदुस्तान का ताना चाहेगा। मैं नरपाल धारावी तालुका आदमी, आम आदमी पार्टी।